दीजिए कि इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर, कोर्ट नंबर रूम नंबर 1 जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर इस वक्त दुआ जहरा के जो उनके वालदेन ने दरख्वास्त दायर की थी उस पर समाअत हुई है। ये अंदर कोर्ट के मनाजिर हैं। शौकत कुराई अदालत के अंदर थे और पूरी प्रोसीडिंग उन्होंने सुनी। सर, क्या हुआ केस पे, कौन से दलाइल दिए गए और अब क्या होने जा रहा है? देखिए, इसमें दो दरख्वास्तें थी दुआ जहरा के वालदेन की। एक दरख्वास्त ये थी कि उनकी बच्ची की जो मैरिज हुई है वो गैरकानूनी हुई है क्योंकि बच्ची माइनर है, और दूसरी जो दरख्वास्त उनकी थी एक एडिशनल कल जो फाइल की थी उन्होंने कि बच्ची को इंटरव्यू करने के लिए मीडिया पर बैन किया जाए और बाहर जाने के लिए रोका जाए। तो सबसे पहले तो अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो उसके वकील ने कहा कि जी ये जो मैरिज है ये नल एंड वॉइड है क्योंकि कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्ची शादी नहीं कर सकती। तो अदालत ने पूछा कि ये कानून कहाँ का है, तो उन्होंने कहा कि सूबे सिंध का कानून ये है कि 18 साल से कम बच्ची या बच्चा शादी नहीं कर सकती, जबकि पंजाब का कानून थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ बच्चा 18 साल से कम शादी नहीं कर सकता और बच्ची जो है उसके लिए एज 16 साल है। तो अदालत ने कहा कि जी आपने मेडिकल जो इसका सर्टिफिकेट आया है, जो मेडिकल रिपोर्ट है, क्या आपने उसको चैलेंज किया है? तो उन्होंने कहा कि जी हमने किया ही मेडिकल इसको चैलेंज है और उसमें ये लिखा हुआ है कि बच्ची की उम्र 16 से 17 साल है, लेकिन ये जो कानून पर्टेन करता है सिंध के अंदर वो 18 साल का है। तो अदालत ने कहा कि जी इसको तो हम देख लेते हैं ना, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बच्ची की स्टेटमेंट क्या है। तो बच्ची की स्टेटमेंट बताया गया अदालत को, दो जगह पे उन्होंने स्टेटमेंट दिए। एक हाईकोर्ट सिंध हाईकोर्ट में स्टेटमेंट दिए कि उन्हें अगवा नहीं किया गया, दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने 164 के दिए लाहौर जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों बयान जो है अदालत के सामने थे। उन्होंने कहा कि जी एक अदालत अगर हो तो उस पर बंदा सोच सकता है कि चले जी ठीक है जी, कोई रिकॉर्ड वगैरह उसका बयान सही नहीं किया गया या बहुत सारी कुछ इम्प्लिकेशन हैं जिसकी वजह से उसे दोबारा बयान लिया जाए, लेकिन दो अदालतें, सबसे बड़ी अदालत जो है हाईकोर्ट है सूबे की और उसमें डिवीजन बेंच ने, दो जजेज ने उसका बयान रिकॉर्ड किया है। तो अब तो हमारे सामने ये बात क्लियर होगी कि बच्ची राजी खुशी गई है और ये बच्ची जो है उन्होंने अपनी मर्जी के साथ शादी की है। एक और चीज़ जो दो सवाल जो है ना वालदेन के सामने रखे अदालत ने कि सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये बच्ची जो है ना भेड़ बकरी नहीं है, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। बीइंग ए सिटीज़न उसका ये राइट है कि वो अपना फैसला कर सके। हम उसको ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते कि आप अपने वालदेन के साथ जाए। अगर एक सवाल ये भी किया कि अगर हम आपको उनके बच्ची के साथ मिलने देते हैं, उससे वालद से सवाल किया वालद से कि आपको बच्ची के साथ मिलने देते हैं एक घंटा, पाँच घंटे, छः घंटे, आठ घंटे, पूरा दिन आप मिलने देते हैं, अगर फिर भी बच्ची आपको कहे कि मैं आपके साथ नहीं जाती तो आपका फैसला क्या होगा? तो वो खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि जी ये देखें जो मैरिज है वो गलत है। तो फिर अदालत ने उनसे ये सवाल किया कि आपकी बच्ची के साथ कभी मुलाकात हुई इस वाक़े के बाद? तो उन्होंने कहा कि जी मेरी कोर्ट पर मुलाकात हुई थी, वो भी सिर्फ 5-6-4 मिनट हुई थी और पुलिस खड़ी हुई थी और उसके सामने जो है मैं मेरी बच्ची जो है खौफजदा थी, बात नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने कहा कि जी आपकी मुलाकात तो करवा सकते हैं, अगर बच्ची ने कहा कि आपके साथ वो नहीं जाना चाहती तो फिर आपके अगेंस्ट आ गया फैसला। दूसरा सवाल ये किया गया कि आप सिर्फ ये बताएं कि आप बीइंग ए फादर बच्चे के साथ मिलना चाहते हैं, अगर वो स्टेटमेंट जो भी जो दे आपको कबूल होगी या आपकी कानूनी कार्रवाई चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी मैं मिलना नहीं चाहता, मैं कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ और कानून के मुताबिक ये कार्रवाई हो। उनके ख्याल में जो कह रहा था उनके वालिद, मेरे ख्याल में ये शादी जो है गैर कानूनी है। तो अदालत ने ये तमाम बातें सुनकर फैसला महफूज कर लिया है और आज शाम तक किसी वक्त भी अदालत ये फैसला सुनाएगी कि बच्ची जो है उसकी शादी कानूनी है या गैर कानूनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकुल कुराई साहब। फैसला महफूज हो गया, अब से कुछ देर बाद फैसला सुनाया जाएगा कि दुआ जहरा का फैसला जो है कानूनी है या गैर कानूनी। इस मुतल्लिक जो भी अपडेट होगी हम आपके सामने रखेंगे। आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही मौजूद है।